तकियापारा ईदगाह मैदान में हुआ पौधारोपण का कार्यक्रम। वार्ड पार्षद अब्दुल गनी ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विभिन्न जातियों के पौधों का किया रोपण। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर दुर्ग तकियापारा में वार्ड पार्षद अब्दुल गनी ने तकियापारा स्थित ईदगाह मैदान में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर जुलूस-ए- मोहम्मदी के अवसर पर वार्ड पार्षद अब्दुल गनी ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के बनाए हुए मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया अखलाक मोहब्बत का पैगाम दे रही है। इस आयोजन के तहत पौधारोपण किया गया है। इस अवसर पर तकियापारा के वरिष्ठों की उपस्थिति में बादाम, अशोक इत्यादि पौधों को लगाया गया। यहाँ तकियापारा मस्जिद के इमाम, नायब इमाम के साथ सदर मोहम्मद शरीफ, हाजी जहीर कुरैशी, यूनुस पटेल, अब्दुल मुजीब, शेख शकील, शेख अमीर, नईम कुरैशी आदि शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। जो कि इस्लाम के पैगंबर हैं, जिन्होंने इस दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया, उसी पैगाम के तहत आज हम हुजूर नबी करीम की यौम पैदाइश मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज तकियापारा में उनके नाम पर एक वृक्षारोपण किया गया है और इसी प्रोग्राम, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें सारी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देना है। सर्वे कायनात के आज यौम विलादत के दिन हम लोग ने शुरुआत की कि यहाँ पे वृक्षारोपण लगा करके झाड़ को, पर्यावरण को, जो सरकार ने भी पैगाम दिया था उस पैगाम को लागू करने के लिए हमने यहाँ पे प्रारंभ किया है। और ये पर्यावरण की पूरी लाइन से यहाँ पे झाड़ लगाए जाएंगे और आज इसका एक झाड़ लगा के वृक्षारोपण लगा के शुभारम्भ किया गया। हमने कुल बादाम के 5 झाड़ लगाए हैं, अशोका के 10 झाड़ लगाए हैं और इमाम साहब हमारे अक्सा मस्जिद के उनके कर कमलों से इसको लगवाया गया है और सभी समाज के जिम्मेदार लोग उपस्थित होकर के इस वृक्षारोपण में सम्मिलित हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।